नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि 29 मार्च की सुबह 10 बजे से ज्यादा दोस्तों यश में से आपकी जीवन में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे बड़े बदलाव होंगे और कुछ ऐसे ही बड़े चमत्कार होने वाले हैं जिनसे दोस्तों आपकी जीवन की सारी बाधाएं खत्म होंगी। आपके जीवन से जुड़ी सभी आर्थिक तंगियां यश में खत्म होने वाली है और आपको कार्य क्षेत्र में बड़े शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। जी दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यश में सोमवार का दिन होगा और यश में दोस्तों इन समयों से रात्रि के 10 बजे तक का जो आपका समय होगा बहुत ही भाग्यशाली समय रहने वाले हैं। जी दोस्तों, इन समयों में आपको कई प्रकार के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से यश में आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यश में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके प्रत्येक क्षेत्र में कई प्रकार के सुधार होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यश में आपके घर से जुड़े और कार्यस्थल से जुड़े जो भी आपकी समस्याएँ हैं यश में स्वयं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खत्म होने वाले हैं। आपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को पाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें कि समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में दोस्तों आप वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहना होंगे, कौन से कार्य आपके बनेंगे, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या सुधार होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखेगा, गुरुजी का और भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यश में व्यस्तता के बावजूद भी कुछ समय अपने मित्रों व फिर रिश्तेदारों के लिए अवश्य निकालें। इससे दोस्तों आपसी संबंध और अधिक मजबूत होंगे। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और लाभदायक रहने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में शारीरिक रूप से आप बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके साथ दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में बदलते ग्रहों की चाल के कारण आपको कोई अप्रिय समाचार मिलने के संकेत भी मिल रहे हैं। आपको बता दें, इनकी वजह से कोई भय अथवा अस्वाद जैसी बातें आपके मन मस्तिष्क पर हावी हो सकती है। कुछ समय आत्मचिंतन व फिर आध्यात्मिक स्थल पर व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा। तो दोस्तों यश में इनका आप ध्यान रखें। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जैसे होंगे, आपको बता दें कि आप अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी दोस्तों किसी बात में प्रगति नजर न आना आपके लिए तकलीफदायक हो रहा है। जीवन में प्रगति पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि बाकी भी बातें उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों अपनी मेहनत और विश्वास को कायम रखकर ही आप आगे बढ़ते रहें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जैसे होंगे, आपको बता दें कि हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करने से आपका जो दिन है वह स्थित रूप से व्यतीत होगा। कोई उधार दिया हुआ पैसा भी आपको इसमें वापस मिलने की संभावना बन रही है। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे। कुछ समय अपने व्यक्तिगत पसंदीदा कार्यों में भी अवश्य व्यतीत करें, इसे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसके उपरांत यश में सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों से दूर ही रहें, क्योंकि दोस्तों इनमें समय व्यर्थ करना आपके लिए बहुत ही मानहानि का कारण होगा। मानहानि की स्थिति भी इनमें बढ़ सकती है। मित्रों से किसी भी प्रकार के सहयोग का उम्मीद ना रखें, ससुराल पक्ष से संबंध मधुर बनाकर रखें। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपको बता दें कि पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना आपके लिए आसान हो सकता है। खुद के द्वारा हुई गलतियां मानकर उनसे मिली सीख लें, नए काम की शुरुआत करें। परिवार के हर व्यक्ति पर नियंत्रण रखने की आपकी जो जिद है, यश में परिवार और आपको दोनों को तकलीफ दे सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जैसे होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपका संतुलित तथा स्वाभिमानी व्यक्तित्व आपको आगे बढ़ने का मौका देगा। किसी अनुभवी व्यक्ति या फिर जिम्मेदार व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। इसलिए दोस्तों समय का भरपूर सदुपयोग करें। विद्यार्थी भी अपने अध्ययन के प्रति पूरी फोकस रखें।
और इसके उपरांत दोस्तों कोई भी नया निवेश करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह जांच पड़ताल अवश्य करें। आपका जो कोई नज़दीकी व्यक्ति ही आपको लक्ष्यों से भटका सकता है, तो इस बात का ध्यान रहे। इसलिए दोस्तों किसी पर भी विश्वास करने से पहले स्वयं भी उनके ऊपर सोच समझ कर विचार कर लें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों परिवार में विवाह योग्य व्यक्ति के लिए विवाह संबंधी कोई खुशखबरी मिल सकती है और दोस्तों आनंद का वातावरण भी निश्चय बना रहेगा। रिश्तेदारों के साथ काफ़ी दिनों के बाद मेल जो भी बढ़ेगा। व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि नजर आ रही है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी सकारात्मक निर्देश में हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यश में ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। रुके हुए कार्यों में भी गति आने वाली है, परंतु यश में पिछली कुछ कमियों को से सीख कर आगे बढ़ने का भी समय होगा। प्रतिष्ठित लोगों के साथ मेल मुलाकात भी लाभदायक और सम्मानजनक साबित होंगे तथा आप अपनी उचित विश्वास के साथ नई शुरुआत भी कर सकते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों यश में घर के बुजुर्गों का सलाह आपके लिए अच्छा रहेगा। यश में किसी भी प्रकार की यात्रा के लिए नुकसानदायक समय होगा, तो दोस्तों यश में इनसे बचने की प्रयास करें। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि परिस्थिति उतना आपके पक्ष में नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इसलिए दोस्तों यश में हर बात में या फिर निर्णय लेते समय ध्यानपूर्वक आपको सोचने की आवश्यकता होगी। यश में आपको अधिक फायदा तो प्राप्त नहीं होगा, फिर भी हो रहे नुकसान को टाला भी जा सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन महसूस होगा, इसलिए दोस्तों कम से कम लोगों के संपर्क में रहने का प्रयास करें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में पार्टनर से संबंधित गतिविधियाँ लाभदायक रहने वाली है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। नौकरी में पदोन्नति अथवा बेहतर वृद्धि की संभावना बन रही है। इसलिए दोस्तों अपने कार्यों को पूरी जो है मनोयोग द्वारा संपन्न करें, ये आपके करियर के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगी आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय की परिस्थितियाँ समान ही रहने वाली है, परंतु कोई नया प्रोजेक्ट या फिर काम से संबंधित योजनाएँ भी बना सकते हैं। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में आपको पारदर्शिता रखना भी जरूरी होगा। पिछले कुछ समय से चल रहे मतभेद दूर होंगे तथा संबंधों में फिर से सुधार आएगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय के क्षेत्र में अपने हिसाब किताब को पारदर्शी रखें तथा टैक्स संबंधी सभी फाइलों को भी आप जो है कंप्लीट रखना आपके लिए जरूरी होगा। आपको बता दें कि स्टाफ तथा कर्मचारियों का कार्य क्षेत्र में सहयोग आपको तनाव मुक्त रखेगा, परंतु यह समय व्यवसाय संबंधी कोई भी नया योजना भी ना बनाएं, ये आपके करियर के लिए इसमें बेहतर साबित होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि मशीनरी आदि से जुड़े कार्यों में कुछ दिक्कतें आ सकती है। यश में कार्य क्षेत्र की हर छोटी से छोटी बात का बारीकी से समझें, बारीकी से ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों आपकी कोई भी पारिवारिक सूचना लीक हो सकती है। कर्मचारियों की हर गतिविधि या फिर क्रियाकलापों पर यश में नजर रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ कर बात करें तो दोस्तों यश में किसी भी परेशानी में जीवन साथी तथा परिवार सदस्यों का सलाह अवश्य लें, निश्चित ही आपको उचित सफलता मिलेगा, उचित सलाह मिलेगा। आपको बता दें कि यश में प्रेम संबंधों में किसी तरह का मतभेद भी हो सकता है, अपने व्यवहार को सीमित रखें, ये आपके लव लाइफ के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपको बता दें, प्रेम संबंधों में गलतफहमी बढ़ने से इसका असर आपकी कार्यक्षमता पर भी दिखेगा। घर परिवार में यश में सामंजस्य और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में विविध लिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय अपनी छवि का भी आप अवश्य ध्यान रखें, ये आपके लव लाइफ के लिए बेहतर साबित होंगे। दोस्तों यश में वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में भी पुरानी गलतफहमियां दूर होने से नज़दीकियां बढ़ेंगी। दिन दोस्तों ये जो समय है आपके लिए बहुत ही सुकून भरा व्यतीत होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में गले से संबंधित किसी भी प्रकार का दिक्कत हो सकता है। दोस्तों इन्हें गंभीरता से लें और तुरंत इलाज करवाएं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि गलत आदतों और गलत लोगों का संगत आपको इसमें छोड़ना होगा तथा वाहन चलाते समय भी आपको लापरवाही बरतनी नहीं होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों मौसमी बीमारियों से आपको इसमें बचकर रहना चाहिए तथा अपनी दिनचर्या और खान पान को आपको व्यवस्थित रखना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों अत्यधिक तनाव का असर आपकी कार्यक्षमता पर और फिर आपके मनोबल पर भी पड़ेगा। यश समय को आपको धैर्य के साथ व्यतीत करना है, इस बात का ध्यान रखें।